छे महीने हो गए करीब साडे को आए ने। छे महीने जब जो परिवार लभ्या 10 साल 11 साल हो गए घरों निकले नू। 11 साल अपने घरों आया होया लुधियाने काम करता रहा। जिम्मे दसदा ये सिर के दर्द होने लग गया। ये सोनू है जी बच्चा जो सानू मिलिया सी इहदे सिर च सारे पस निकलदी सी। इत्थे वड्डे वड्डे स्टैपलर लगे हुए सीगे पस चोई आंदी सारी। लुधियाने तो कुछ वीर साडे कोल जिम वाले छड के गए सी। सानू तां फिर घर लभ गया जी। साडे अश्विनी बाई जी उहनां ने बहुत कोशिश करके इहदा घर लभिया। अज इहदी घरे असीं गल कराउण लगे आ सोनू दी वीडियो कॉल ते। सोनू दी 10 साल हो गए सोनू नूं घरों आए नूं 10 साल। कौन है वो पूछते हैं कौन है वो चाचा कल मम्मी मम्मी अरे घर मिल गया सोनू भाई का घर मिल गया। जी कौन आ गया प्रणाम मम्मी मेरा माँ है। मेरा माँ है मम्मी बीमार है बहुत भाई है। ये भाई है चचेरा भाई है। चचेरा भाई क्या नाम है इसका मनीष नहीं मनीष नहीं नाम है। तो ये लोग जाएंगे तुमको लाने कब आएंगे हम 22 तारीख को गाड़ी भरेंगे बेटा। 22 तारीख की गाड़ी पकड़ लो बेटा। अरे सोनू को लेने आ रहे हैं 22 तारीख को। सोनू भाई को लेने आ रही है उसकी मम्मी। आएगा ना निकला है 2011-12 में मतलब 11 साल हो गए। कितने भाई बहन है जे? दो भाई है एक बहन है। एक बहन है साहब। भाई का नाम क्या है? आकाश। और बहन का नाम क्या है बोलो? भाई का नाम टुन्नी है। टुन्नी बहन का नाम टुन्नी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनू कुमार साहब। जिसके सिर में चोट लगा था क्या हुआ था? हम घर से ठीक है। इसका पूरा सिर कटा हुआ है आधा सिर नहीं है इसका। वहाँ पे रोड पे रहते थे तुम? वहाँ कहाँ रहते थे? मैं लुधियाना टंडारी काम करता था। क्या स्टील प्लांट में काम करता लोहा का लाते थे साहब। तो चोट कैसे लगा था? माथे में दर्द था साहब। हाँ मैं साहब के पास चला गया। साहब मेरे को लेके आ गए। उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया था। हाँ ऑपरेशन हो गया था साहब। तो जब जी हमारे पास आया था ना भाई ये बोलता है इसके सिर में दर्द होता था इसका ऑपरेशन करवाया किसी बाबूजी ने जिनकी फैक्ट्री में जो काम करता था उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया इसका। तो अभी जो हमारे पास है 5 महीने से 4 महीने से हम इसका घर ढूंढ रहे थे। हमारे जो टीम के मेंबर हैं अश्विनी भाई जी आपसे बात हुआ होगा। अश्विनी जी का हुआ था बात? जी नाम नहीं जानते हैं बात हुआ था। बात हुआ था आपको किसका कॉल आया था सबसे पहले इसके बारे में? जैसे मनेर थाना से हमको कांटेक्ट हुआ। मनेर थाना से हुआ कांटेक्ट? मनेर थाना से एक गांव के परिचित है उन्हीं के पास कॉल आया। ठीक है फलाना नाम का लड़का है तो हम कंफर्म ही लोग करवाए फोटो वोटो सीन है सब ठीक है उनके यहाँ वही है। ठीक है। और जब भाई जी घर से गया था ये थोड़ा दिमाग से ठीक नहीं था? कौन जे सोनू? सही था सर सही था दिमाग भी सही था। ये फोन भी करता था कभी कभी मेरे मोबाइल पे तो मोबाइल पर करता था इतना इसको समझाते थे। इसको दादा गुजर गए बहन को पागल बोरैया थी बहन भी उसको शादी किए बोलाए तभी नहीं आया तो हम लोग छोड़ दिए कि जाओ जब आईबे नहीं करता है तो हम लोग कहाँ जाए नहीं देखा ले नहीं सुन ले।
यार सुनो तुम तो इधर से घर क्यों नहीं गया यार भाई, माँ रो रही है देखो कितना, दादा चल बसे हैं, बहन का शादी हो गया है, सुनो बुढ़ी माँ है ठीक नहीं है दिमाग से, वो जो बंदा माँ की सेवा नहीं करता ना उसको पाप लगता है, माँ भगवान होती है। सर जी 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 इनको मतलब कुछ पैसा भी लुआ लगेगा? नहीं नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा, आने जाने का टिकट भी हम देंगे और इसको पैसा देके भी भेजेंगे 5,000 रुपया हम खर्चे बर्चे के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको भेजिए इनका टिकट हम करवा देंगे। यदि आप टिकट नहीं करवा पा रहे हो तो अभी हम आपका टिकट वहां पे, आप बताओ कितना पैसा लगेगा, आप पेटीएम नंबर दे दीजिए हम पेटीएम कर देते हैं 2-4 हजार रुपया खर्चे का। नहीं सर ये लोग टिकट करवा के जाएं, चल जाएंगे। हाँ बस इधर आएंगे, इधर से हम टिकट करवा के भेजेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है मनीष जी? मेरा नाम राजू है सर। राजू जी ठीक है, राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनसे बात करवा दिया, माँ को बच्चा मिल गया और बड़की मम्मी छोटी मम्मी दोनों को देख लिया, अब इसने खुश है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी कितना भगवान की मेहर होंगी है, कितना कृपा होंगी है, ये 29/5/23 नू मिलिया सी बच्चा सानू, 29 तरीक नू 5वें महीने दी नू, ते अज 16/11/2023 आ 11वां महीना चलदा, मतलब 6 महीने हो गए इनू करीब साढ़े को आए नू, ते 6 महीने च अज इहदा परिवार लभिया, 10 साल 11 साल हो गए इनू घरों निकले नू, 11 साल दा इह अपने घरों आया होया, लुधियाणे काम करदा रहा, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਟਾਂਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਆ, ਸੋਨੂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 190 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਸਾ ਥਾਣਾ ਹੈ? ਮਨਵਾਰ ਮਨੇਰ ਮਨੇਰ ਥਾਣਾ ਮਨੇਰ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਰੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।